हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा, आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, जैम पोर्टल पर ग्राम पंचायत के प्राइमरी यूज़र का रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक हमारा यही है। प्राइमरी यूज़र से आप समझ लीजिए कि सरपंच का रजिस्ट्रेशन हमको करना है, जिसको कि हम चेकर भी बोलते हैं EGS में, ग्राम स्वराज में। तो प्राइमरी यूज़र का रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस पूरी क्या रहेगी, हम पूरा लाइव इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो का दूसरा पार्ट मैं बनाऊंगा, उसमें हम मेकर का रजिस्ट्रेशन, मतलब जो सेकेंडरी यूज़र है, क्योंकि सेकेंडरी यूज़र का दोस्तों जो प्राइमरी यूज़र है उसी के लॉगिन से सेकेंडरी यूज़र का रजिस्ट्रेशन होना है, इसलिए वो वीडियो का पार्ट मैं दूसरा बनाऊंगा, जिसमें आपको मेकर का रजिस्ट्रेशन, जिसको सचिव का बोल सकते हैं, और सेकेंडरी यूज़र जिसको बोलते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन हम अगले वीडियो में करके देखेंगे। दोस्तों, जैम पोर्टल मतलब जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर प्रत्येक ग्राम पंचायत का दोनों यूज़र बनना है, मेकर और चेकर, जिसको प्राइमरी यूज़र और सेकेंडरी यूज़र बोलते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी यूज़र की पूरी प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की करके इस वीडियो में देख रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी जो दस्तावेज है दोस्तों, वो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला है सरपंच जो प्राइमरी यूज़र बनने जा रहे हैं, उनका आधार कार्ड नंबर। इसके अलावा आधार कार्ड में एक्टिव मोबाइल नंबर, और मोबाइल उनके पास होना भी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों उसमें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस में एक बार OTP की जरूरत उससे पड़ती है। तीसरी जो जरूरी चीज़ है, वो गवर्नमेंट का मेल ID, मतलब NIC वाला जो डेवलप किया गया मेल ID हो चेकर का, सरपंच का, वो मेल ID, मतलब तीन चीज़ों की विशेष आवश्यकता है। इन तीन चीज़ें यदि आपके पास सारी एक्टिव हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जेम पोर्टल पर प्राइमरी यूजर ग्रुप में सरपंच का कर सकते हैं। दोस्तों, यदि गवर्नमेंट का मेल ID एक्सेस करने में आपको किसी तरह की दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं गवर्नमेंट मेल ID को कैसे ओपन करना है, ये इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो छोटा सा बना दूंगा, यदि आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो। क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में हमको जो गवर्नमेंट का मेल ID है सरपंच का, चेकर का, उस पर एक OTP जाता है, तो OTP भी हम एंट्री करनी पड़ती है। इसके लिए आपको आवश्यक है कि मेल हमको एक्सेस करना आना चाहिए, मतलब उसको ओपन करना आना चाहिए। दोस्तों, ये ध्यान रखिए आपकी, 2 अक्टूबर 2023 से भारत शासन ने टारगेट रखा 2 अक्टूबर 2023 से ग्राम पंचायतों को जैम पोर्टल से खरीदी करना अनिवार्य कर दिया जाएगा, इसलिए आपके पास समय बहुत कम है। जिनके भी गवर्नमेंट के मेल ID ग्राम पंचायतों को प्राप्त हो गए हैं, वो तुरंत इस वीडियो के आधार पे आपका रजिस्ट्रेशन करके रखें, क्योंकि कभी भी इस चीज़ का बंधन किया जा सकता है। 15वें से जो भी आप खरीदी करेंगे, वो आपका जैम पोर्टल के थ्रू ही अनिवार्य होने जा रहा है, और उसका बिल का पेमेंट वो ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, वो वहाँ से बिल का पेमेंट होगा। हालांकि पेमेंट की प्रोसेस क्या रहेगी, वो सब हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारा टारगेट रहेगा सभी ग्राम पंचायतों के दोनों यूज़र क्रिएट हो जाएं। तो रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, वो खुद आप घर बैठे कर सकते हैं, ये वीडियो आप समझ लीजिए। इसके आधार पर आप पहले प्राइमरी यूज़र का रजिस्ट्रेशन करिए, फिर मैं सेकेंडरी यूज़र के लिए भी मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि उसके हिसाब से आप सेकेंडरी यूज़र मतलब सचिव का रजिस्ट्रेशन भी कर सकें। ठीक है दोस्तों, हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर हम पूरी प्रोसेस जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए। यहाँ पर मैंने एक ब्राउज़र में जैम पोर्टल ओपन कर लिया है, इसका URL देख लीजिए आप, gem.gov.in, ये इसका URL है, जिसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अभी हम दोस्तों ये ध्यान रखें कि जैम पोर्टल पर जो ग्राम पंचायत के दो यूज़र बनने हैं, सबसे पहला यूज़र हम इस वीडियो में रजिस्टर्ड करके देख रहे हैं, जो कि प्राइमरी यूज़र कहलाएगा, जिसको कि सरपंच को प्राइमरी यूज़र के रूप में रजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको राइट साइड में ऊपर जो ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको साइन अप पे जाना है। साइन अप पे माउस पॉइंटर जैसे ले जाएंगे, आपको दो ऑप्शन नीचे मिलेंगे, इसमें आपको बायर ऑर्गेनाइजेशन, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको तीन स्टेप में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको करनी है। सबसे पहले प्री रिक्वेस्ट्स आ रहा है, इसमें आपको यूज़र का टाइप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट आप ओपन करेंगे, तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के रजिस्ट्रेशन में करते समय आप ये ध्यान रखें कि इन तीन ऑप्शन में से आपको सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है प्राइमरी यूज़र कोष्टक में लिखा हुआ HOD, इसको आपको क्लिक करना है। सेकंड वाला नहीं करना। थर्ड वाला भी दोस्तों प्राइमरी यूजर कोऑपरेटिव है, इसको भी आपको क्लिक नहीं करना। ध्यान रखें प्राइमरी यूजर HOD, इसको ही आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक जैसे ही करेंगे, आपको नीचे तीन चेकबॉक्स आ जाएंगे टिक लगाने के लिए। इन सब पर टिक लगाना है आपको, आधार नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर और गवर्नमेंट मेल ID। तीनों पर जैसे टिक लग जाएगा, आपको प्रोसीड वाला बटन क्लिक करने के लिए आ जाएगा। आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। आप सेकंड स्टेप पर पहुंच जाएंगे, टर्म एंड कंडीशन वाला। यहाँ पे आपको जो नियम और शर्तें हैं उसकी PDF आपको मिलेगी, आप इसको एक बार पढ़ लें, और चेकबॉक्स पर टिक लगा के आपको प्रोसीड पर फिर से क्लिक करना है। अब आप इस तरह से थर्ड स्टेज पे आ गए। यहाँ पे आपको चार तरह के पेज मिलेंगे, जिनको आपको फिलअप करना है, और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन डिटेल, ये ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दें कौन कौन से ऑप्शन सिलेक्शन हमको करना है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप में जैसे ही आप ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। वो आपको जो सिलेक्शन करना है वो है स्टेट ऑटोनोमस,
दोस्तों ध्यान रखें, आपको सिर्फ यही ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन टाइप में सिलेक्ट करना है। इसके अलावा दूसरे स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसको आपको सिर्फ स्टेट ऑटोनोमस ही सिलेक्ट करना है। इस फील्ड को जैसे आप फिल कर लेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन स्टेट का जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट करें। मैं MP का ये फिल कर रहा हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है डिपार्टमेंट का। यहाँ भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे ऑप्शन आपको खुलेंगे, लेकिन आपको जो सिलेक्शन करना है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज। इसके अलावा कोई ऑप्शन आपको यूज़ नहीं करना दोस्तों, ध्यान रखें। इसके सिलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट स्टेट की जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट यहाँ पे खुल जाती है। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन आप ये कर रहे हैं, उसका जिला आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फाइनली लास्ट वाले पेज पे आपको ग्राम पंचायत या जनपद या जिला जिसका भी रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, उसका आपको डिटेल यहाँ पे फिल करनी। तो मैं यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे इस तरह से डाल देता हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है दोस्तों। दोस्तों मैंने सरपंच का आधार नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक लगा दिया और वेरीफाई आधार पे आपको क्लिक करना है। ये जैसे ही आप करेंगे तो अब नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। इस पेज पे आ गए हम। यहाँ पे आपको OTP की एंट्री करनी है, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP पहुंचा है। यहाँ पे आपको दोस्तों OTP एंटर करना है, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो मैं ये प्रोसेस कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों हमने OTP की एंट्री की प्रोसेस की, उसके बाद इस पेज पे हम आ गए, मतलब हमारा वेरिफिकेशन जो था OTP वाला, वो आधार नंबर वाला, वो हो गया है। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे जो सरपंच जिसका हमने आधार नंबर डाला था, उसकी नाम भी यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया है। इस तरह जो हमारी थर्ड पेज पे हम काम कर रहे हैं, उसका ये सेकंड स्टेप हमने फॉलो कर लिया। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, थर्ड स्टेप पे पहुँचते हैं ईमेल के लिए। ये मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, थर्ड पेज पे हम आ गए ईमेल वेरिफिकेशन। यहाँ पे अब आपको चेकर का जो सरपंच का मेल आईडी है, गवर्नमेंट का मेल आईडी दोस्तों, उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करना है। फ्रेंड्स ये दोनों कॉलम में गवर्नमेंट का मेल आईडी एंटर करने के बाद आपको सेंड OTP भी क्लिक करना है। तो अब आपका इस मेल पे भी जो मेल एड्रेस आपने डाला उस पे भी OTP पहुंचा है 6 डिजिट का, तो उसकी OTP की एंट्री आपको इस ऑप्शन पे करना है। दोस्तों इस गवर्नमेंट मेल आईडी पर OTP पहुंचने में कई बार थोड़ा समय भी लग जाता है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। OTP की एंट्री करने के बाद वेरीफाई OTP भी क्लिक आपको करना है। और ये देखिए मैसेज आ गया, ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली, ये मेल आईडी वेरीफाई सक्सेसफुली हो गई है। मतलब हमारे ये थर्ड जो पेज पे हम काम कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हम नेक्स्ट पे क्लिक करते से ही आप चौथे वाले पेज पे पहुंच गए, यूजर क्रेडेंशियल। दोस्तों इस पेज पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे यूजर आईडी आप ध्यान रखें दोस्तों, आपके चेकर का जो सरपंच का ई ग्राम स्वराज पोर्टल का यूजर आईडी है, उसकी एंट्री दोस्तों आपको यहाँ पे करना है। और नीचे पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहें, वैसे कोशिश आप ये करें कि चेकर का जो यूजर आईडी और पासवर्ड ई ग्राम स्वराज पे हम यूज करते हैं, उसी की एंट्री आप दोनों जगह करें। यदि पासवर्ड ये नहीं बन रहा है तो आपके हिसाब से कुछ और भी पासवर्ड बना सकते हैं, लेकिन उसमें आप ध्यान रखें दोस्तों, ये नीचे शर्तें दी गई हैं, ये पांचों शर्तों को पूरा करना पड़ेगा पासवर्ड बनाते समय, तब आपका पासवर्ड एक्सेप्ट होगा। मिनिमम 8 डिजिट है इसमें, लेकिन 8 एग्जैक्ट 8 बनाएंगे आप तो नहीं लेगा, 9, 10, 11 जो भी आप, 8 से ज्यादा आपको यहाँ पे कैरेक्टर लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे दोस्तों सरपंच की जो चेकर आईडी है उसका एंट्री कर दी है और पासवर्ड मैंने बना लिया है। अब इसके बाद क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। और ये देखिए यूजर सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड मेल सेंट, मतलब यहाँ से हमारा जो प्राइमरी यूजर का जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना था, वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। और हमारे पास मेल जो हमने मेल एड्रेस डाला था, वो मेल एड्रेस भी मेल पे भी आपको एक सूचना पहुंच गई होगी इस तरह की कि आपका रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो गया है। इसके बाद दोस्तों आप इस पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको इसको चेकबॉक्स पर टिक लगाना और कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कॉर्नर पे आपका नाम जो दिख रहा है, यहाँ पे एरो से नीचे की तरह ये क्लिक करेंगे एरो पे, तो यहाँ पे नीचे माय अकाउंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये जैम में वेलकम का एक पॉपअप आएगा यहाँ से। इसके बाद स्टार्ट हियर, मतलब आप लॉगिन तो ऑलरेडी हैं, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद ऑलरेडी लॉगिन है। लॉगिन के बाद आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे अपडेट करनी है आपके लॉगिन के अंदर। तो ये चार पेज आपको सामने दिख रहे हैं, बस ये चार पेज आपको आपके लॉगिन पे के अंदर दिखेंगे। यदि आप यहाँ पे लॉगिन नहीं है तो लॉग आउट करके आपने जो यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट किए हैं चेकर वाले, जो आपने यूज़र डाला था, वो उसकी एंट्री करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन फिर से कर सकते हैं, यदि आप यहाँ पे लॉगिन नहीं होंगे तो। सबसे पहला पेज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, यहाँ पे आपको पिन नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस और टेलीफोन नंबर, वेबसाइट ये डाल के आपको सेव करना है। ये मैंने पिन कोड डाला, ऑटोमेटिक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आ गया। यहाँ पे आप एड्रेस, इसके बाद नीचे ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिस का हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मोबाइल नंबर को इस तरह से यहाँ पे एंटर कर दें ताकि वो इसको एक्सेप्ट कर ले। और लास्ट में वेबसाइट URL डालना है। तो यहाँ पे आपके पास वेबसाइट यदि है तो ठीक है आपकी पंचायत की, और नहीं है तो फिर आप पंचायत दर्पण पोर्टल वाली जो वेबसाइट है उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर दें। ये दोस्तों एंट्री करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है।
सेव पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे पहला पेज फिल हो गया, सेकंड पेज पे हम आ गए पेमेंट मेथड। अब यहाँ पे भी दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको 5 तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन आपको ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत के केस में सिर्फ आपको ई ग्राम स्वराज पर ही टिक लगाना है दोस्तों। अन्य 4 ऑप्शन पे आपको टिक बिल्कुल भी नहीं लगाना, ई ग्राम स्वराज ऑप्शन आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से सेव पे क्लिक करना है। इस तरह से आप थर्ड वाले पेज पे पहुंच गए। यहाँ पे प्राइमरी यूजर का ऑटोमेटिक जो सरपंच का रजिस्ट्रेशन हमने किया है उसकी बहुत सारी डिटेल ऑटोमेटिक ही यहाँ पे आ रही है। और नीचे की तरफ आप देखिए नेम एज पर पैन नंबर के हिसाब से आप उसका नाम की एंट्री करना है यदि आपके पास हो तो। ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर यदि है तो डालना है, उसके हिसाब से डेट ऑफ डेट जो पैन में डेट डली वो डालना है। और GST नंबर यदि है आपके पास तो उसको यस करना है, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आप उसको सेव पे क्लिक आपको करना है। ये ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है, आप इनको खाली भी छोड़ सकते हैं यदि नहीं है तो। यहाँ पे मैंने नो पे टिक लगा दिया, चेकबॉक्स आ गया यहाँ पे, इस पे टिक लगा दी। इसके बाद मुझे सेव पे क्लिक करना है, ये मैंने सेव पे क्लिक कर दिया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब ये हमारा थर्ड स्टेप भी कम्प्लीट हो गया है। लास्ट वाला बचा है यहाँ पे HOD वेरिफिकेशन डिटेल। यहाँ पे आपकी पंचायत का, जिस पंचायत का ये रजिस्ट्रेशन आपने चेकर का प्राइमरी यूजर का किया है उस पंचायत का आपको LGD कोड दोस्तों याद होना चाहिए। LGD कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये LGD कोड आप चाहें तो LGDDirectory.gov.in वाली जो पोर्टल है उससे निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो आपको mail ID वाली फाइल मिली है उसमें भी आपकी पंचायत का LGD कोड आपको दिया गया होगा। बस LGD कोड आप सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद जैसे ही आप सेव करेंगे ये HOD डिटेल सेव सक्सेसफुली हो गई। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों VA ईमेल मतलब वेरीफाइंग अथॉरिटी का मेल आ जाता है। जैसे हम LGD कोड यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं वेरीफाइंग अथॉरिटी का मेल यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाता है। अब इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेरीफिकेशन रेफरल जो वेरीफिकेशन है ये इस मेल पर पहुँचा है। आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है आपकी प्राइमरी यूजर का, सरपंच का, उसका जो वेरीफाई होगा वो आपका इस मेल पर पहुँचेगा। तो अधिकतर आपके जनपद पंचायतों के मेल ही ये डले हुए हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करने के बाद आपको जनपद में संपर्क करके वहाँ से आपको आपका रजिस्ट्रेशन है उसको वेरीफाई कराना होगा दोस्तों। और वेरीफाई हो जाता है तो आपका ये चेकर का जो प्राइमरी यूजर का रजिस्ट्रेशन है आपकी पूरी प्रक्रिया सक्सेसफुली हो गई है दोस्तों। इस तरह से आपको जैम पोर्टल पर सरपंच का मतलब प्राइमरी यूजर का रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी है, ठीक है दोस्तों। यही थी सारी प्रोसेस जैम पोर्टल पर प्राइमरी यूजर मतलब सरपंच के रजिस्ट्रेशन की। आपको यदि कोई डाउट लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।